नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का मुर्मू ट्यूबर चैनल में स्वागत करती हूँ। हर एक के जीवन में खेल का मतलब अलग अलग होता है। जहाँ कुछ लोगों के लिए ये मनोरंजन का साधन है, तो वहीं कुछ लोगों के लिए ये एक सम्मान और आजीविका का साधन है। आज हम बात करेंगे ऐसी ही कुछ खेल हस्तियों के बारे में, जिन्होंने आदिवासी बैकग्राउंड से आकर अंतर्राष्ट्रीय खेलों में अपने लिए जगह बनाई है, और उन्होंने अपने क्षेत्रों के सैकड़ों युवाओं को खेलों में अपना नाम बनाने के लिए प्रेरित किया है। तो चलिए एक एक करके उन खेल हस्तियों के बारे में जानते हैं। पहला खेल हस्ती जिनके बारे में आज हम बात करेंगे, वो है बीरेंद्र लकड़ा। बीरेंद्र लकड़ा एक भारतीय प्रोफेशनल हॉकी प्लेयर है, और वो अपने परिवार के तीन हॉकी खिलाड़ियों में से एक है। उनके बड़े भाई बिमल लकड़ा भारत के लिए मिड फील्डर के रूप में खेल चुके हैं, और उनकी बहन असुंता लकड़ा भी भारत की महिला हॉकी टीम में खेल चुकी है। बीरेंद्र लकड़ा का जन्म 3 फरवरी 1990 में उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले के लछड़ा गांव में हुआ था। उन्होंने साल 2012 में दक्षिण अमेरिका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में डेब्यू किया था। वो भारत के सबसे बहुमुखी हॉकी खिलाड़ियों में से एक है। उन्होंने 2012 में लंदन ओलंपिक्स के दौरान पुरुषों की हॉकी टीम में भारत को रिप्रेजेंट किया था। उन्होंने अपनी टीम के साथ 2014 के एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल और कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल जीता था। 23 जुलाई से होने वाली टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में उन्हें भारतीय टीम का वाइस कैप्टन चुना गया है। जी हाँ दोस्तों, उन्हें भारतीय टीम का वाइस कैप्टन चुना गया है। वो इंडियन हॉकी लीग में रांची रेंज के लिए खेलते हैं। दूसरे खेल हस्ती का नाम है दिलीप तिर्की। हॉकी की बात करें तो आदिवासी क्षेत्र में दिलीप तिर्की प्रमुख नाम है। वो एक फॉर्मर इंडियन फील्ड हॉकी प्लेयर हैं। वो पेनल्टी कॉर्नर हिट के लिए जाने जाते हैं। वो भारतीय हॉकी टीम के एक्स कैप्टन भी थे। उन्होंने 1996 के अटलांटा ओलंपिक और 2000 के सिडनी ओलंपिक में भी भारत को रिप्रेजेंट किया था। उन्होंने वर्ष 2010 में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी के लिए बोली लगाई, जो दुनिया में सबसे अधिक कैप्ड खिलाड़ी बन गए। वो एकमात्र आदिवासी खिलाड़ी हैं जिन्होंने इंडिया को 3 times ओलंपिक गेम्स में रिप्रेजेंट किया है। उड़ीसा के रहने वाले दिलीप तिर्की को 2002 में अर्जुन अवार्ड और 2004 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 22 मार्च 2012 को उन्होंने भारतीय संसद के उच्च सदन के लिए बीजू जनता दल से राज्यसभा के लिए चुना गया। तीसरे खिलाड़ी जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, उनका नाम है जयपाल सिंह मुंडा। जयपाल सिंह मुंडा एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किए। वो एक पॉलिटिशियन, लेखक और एक बेहतरीन खिलाड़ी थे। 1928 में जब वो इंग्लैंड में थे, तब उनको 1928 के ओलंपिक गेम्स के लिए इंडियन हॉकी टीम की कैप्टनी करने के लिए कहा गया था। उनके कैप्टनसी में भारतीय टीम ने लीग स्टेज में 17 मैच खेले, जिसमें से 16 मैच जीते और एक ड्रॉ रहा। भारत लौटने पर उन्होंने कलकत्ता के मोहन बगान क्लब से जुड़े और सन 1929 में अपनी हॉकी टीम की शुरुआत की, और उन्होंने विभिन्न टूर्नामेंट में उस टीम का नेतृत्व किया। हॉकी से रिटायरमेंट के बाद उन्होंने बंगाल हॉकी एसोसिएशन और इंडियन स्पोर्ट्स काउंसिल के मेंबर के रूप में काम किए। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातक से लेकर घना में अध्यापक तक 1937 में आदिवासी महासभा के गठन तक वे आदिवासी राजनीति और एम्पावरमेंट के विजनरी थे। जयपाल सिंह मुंडा ने भी भारत के संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनके नाम पर एक स्टेडियम 2013 में रांची में खोला गया है। आदिवासियों के लिए हैदराबाद में फर्स्ट नेशनल स्पोर्ट्स मीट 2019
और उड़ीसा में इंडियाज फर्स्ट ट्राइबल स्पोर्ट्स मीट जैसे आयोजन को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, क्योंकि वे भारत में आदिवासियों के लिए कई दरवाजे खोलने में मदद करती है। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों ने इस वीडियो को अंत तक देखा और इन खिलाड़ियों के बारे में कुछ जानकारियाँ हासिल की। तो मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए, मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। आप सभी लोगों को मेरा नमस्ते।